नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आपके अपने चैनल ज्योति किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नई हेल्दी टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। मिलेट से आपने कई बार रेसिपी बनाई होगी, लेकिन इस बार बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। ये वेट लॉस रेसिपी है, ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। 2023 मिलेट ईयर चल रहा है, तो अधिक से अधिक मिलेट की रेसिपी बनाएं और स्वस्थ रहें। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये नई रेसिपी बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और कैसी बनी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं रागी से रेसिपी बनाना। 1 कप ये मैंने रागी का आटा लिया है, मार्केट में आसानी के साथ मिल जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है। इसे नाचनी का आटा भी बोलते हैं। इसका हलवा वगैरह, रोटी वगैरह तो बहुत बार बनाई होगी। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे, आधा कप कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड। गाजर कटे हुए डालेंगे, शिमला मिर्च, वेजिटेबल की मात्रा आप कम ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मसालों की मात्रा भी आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने से बहुत बढ़िया टेस्टी हेल्दी बनता है फ्रेंड। चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे देखने में सुंदर लगेगा और खाने में टेस्ट आएगा। सौंफ पाउडर, नमक स्वादानुसार। बहुत ही बढ़िया हेल्दी टेस्टी रेसिपी बनती है फ्रेंड। ये तिल डाले सफ़ेद वाले, इससे देखने में लुक बढ़िया आएगा, क्रंची सा। काली मिर्च पाउडर, जीरा डालेंगे, हरा धनिया भरपूर मात्रा में डालेंगे, हरे धनिए से बढ़िया लुक आता है फ्रेंड, हरा धनिया ज़रूर डालें। थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी लम्स न रहे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड। आप छोटों से लेकर बड़ों तक तो बहुत पसंद आएगी। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इससे भूख बिल्कुल कम लगती है। गर्मियों के लिए ठंडा होता है रागी का आटा, बहुत ही हेल्दी होता है। भारतवर्ष में तो बहुत भरपूर उत्पादन होता है इसका। इसका आदि से अधिक रेसिपी बनाए और स्वस्थ रहे। मेरे घर में तो बहुत पसंद की जाती है फ्रेंड इस रेसिपी को। और भी रेसिपी मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप देखें। रागी का टोस्ट की रेसिपी, ज्वार का उपमा। मिलेट ईयर चल रहा है फ्रेंड, तो ज़रूर बनाएं, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, जिससे हेल्दी रेसिपी बनेगी, बहुत बढ़िया परफेक्ट बनेगी बिल्कुल। अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड। अब इसके छोटे छोटे पेनकेक बनाएंगे, आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, पर मैं लंच में रखने के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बॉक्स में, इसलिए छोटे छोटे बना रही हूँ। प्लीज़ रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। नए तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए मैंने ढककर 2-3 मिनट के लिए पका लिया। ऊपर से घी लगा देंगे, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। छोटे छोटे पेनकेक बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं चाय के साथ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है, और वेजिटेबल डाला है तो और ज़्यादा हेल्दी हो गया है फ्रेंड। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप इसी तरह मेरी रेसिपी देखते रहें और मेरा सहयोग करते रहें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं फ्रेंड। और भी रेसिपी आप जो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये देखिए मैं आपको अच्छे से अच्छी हेल्दी रेसिपी लेकर आती हूँ आपके लिए फ्रेंड। प्रयास करती हूँ कि बिल्कुल नई और स्वादिष्ट हेल्दी रेसिपी हो और जल्दी से बने और जो सभी को पसंद आए। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड।
देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी सभी को मेरे घर में। आप कब बना रहे मुझे ज़रूर बताएं, तो मिलते नई नई हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।